बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इंडिया में जो करोना की ख़तरनाक सूरत हाल है वो सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। और जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं सड़कों पर लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इन हालात में हम अपने इंडिया के इन मुसलमानों के और बल्कि इंडिया की आवाम, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उनके गम में, उनके दर्द में, तो इस बारे में कुछ गुजारिशात ख़ास तौर पर इंडिया में रहने वालों के लिए कुछ गुजारिशात पेश करनी थी। जो मुस्लिम हैं, जो कुरान और सुन्नत पे ईमान रखते हैं, उनके लिए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी इन वबाओं से इबरत हासिल करनी चाहिए। जो इस वक्त तबाही हिंदुस्तान में फैली हुई है और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि कल ये तबाही पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, या किसी और मुल्क में भी ये सब कुछ हो सकता है, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इसमें हिदायत मिलती हैं। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है उसमें अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ में डालकर, वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, मुआशी नुकसान हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी मईशत डाउन होगी, तुम्हारी पैदावार का नुकसान होगा और तुम्हारी जानें हलाक होंगी। जानों का हलाक होना क्या है, ये वबाओं में और कुदरती हादसात में जो इंसानी जानें बहुत कसरत से हलाक होती हैं, ये वो आजमाइशें जिनका अल्लाह ताला अपनी किताब में जिक्र करते हैं। अब इन आजमाइशों में हमें करना क्या है, जैसे ये बड़ी आजमाइश है कोरोना की सूरत में जिसने पूरी दुनिया को तबाही में डाला हुआ है, और ख़ासतौर पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जिस कर्बो अजियत से इस वक्त गुजर रहा है, तो इसमें करना क्या है। हमें अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया वबशिर सबिरिन الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون। फरमाया ऐ नबी आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। और वो कैसे सब्र करते हैं, जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाही, जिसने इस कायनात को बनाया है ना हम उसके गुलाम हैं, हम पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि इस कायनात को बनाने वाले की मर्जी चलेगी। अगर इंसान की सारी चाहतें इस दुनिया में पूरी हो जाएं, तो फिर इंसान खुदा बन जाएगा। अल्लाह ने इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। आज कोरोना की बीमारी है, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है। आप देखें सुनामी के तूफ़ान ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और पाकिस्तान में जो एक जलजला आया था बहुत बड़ा बालाकोट में, उसने एक दो दिन के अंदर 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तूफ़ान, ये आजमाइशें, ये वबाएँ, ये आज पहली दफ़ा नहीं है। दुनिया हमेशा से इन वबाओं में और मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में गुजरती रही है, और उसकी वजह से कहत भी आते रहे हैं, लोगों की जानें भी हलाक होती रही हैं, और ये भी जो मौजूदा कोरोना है ये भी उसी की एक लड़ी है। तो इसमें हमने असबाब भी इख्तियार करने हैं, जो SOPs डॉक्टर हजरात बताते हैं उन पर भी अमल करना है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक कोढ़ का मरीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत होने के लिए आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में आने से मना कर दिया, और मस्जिद के अंदर से ही आपने उनको बैत फरमाया है। हालांकि मस्जिद तो एक बरकत की चीज़ है, एक यानी यहाँ शिफा मिलती है इंसान को दुआएँ मांगने से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से बचने के एक ज़ाहरी सबब को इख्तियार किया, इसलिए कि कोढ़ का मरीज़ अगर मस्जिद में आएगा तो इस बात का ख़तरा मौजूद है कि दूसरों को ये बीमारी लग जाए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात पर भी अमल करके दिखाया, और कुरान के ज़रिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एहतियात पर अमल के साथ साथ हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और सब्र का तरीक़ा भी अल्लाह ने बता दिया है, क्या सोचोगे तो सब्र की तौफीक मिलेगी। वो ये सोचना है इन्ना लिल्लाही, हम पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, वह इन्ना इलैही राजिऊन, और हमने लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। क्या मतलब, आज हम नहीं मरे तो कल मरेंगे, परसों मरेंगे,
और हम अल्लाह की तरफ जाएंगे। इस आजमाइश में अगर हमने सब्र से काम लिया, वावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, तो कल अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। और आज अगर हमने सब्र का दामन छोड़ दिया, बौखलाहट का शिकार हो गए, तो क्या होगा कि जो मुसीबत है वो तो नहीं टलेगी, लेकिन हम एक बहुत बड़े अजर से क़यामत के दिन महरूम हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा कि वो कब्र पे खड़ी हुई रो रही है अपने बच्चे को याद करके। उसके छोटा बच्चे का इंतकाल हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चीखों पुकार मचाई हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा कि तुम सब्र करो। उन्होंने कहा, वो जानती नहीं थी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा कि जो गम मुझे पहुँचे अगर आपको पहुँचता तो मैं देखती कि आप कैसे सब्र का मशवरा देते हैं। बाद में किसी ने बताया थी कि ये तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। वो खातून नबी के पास गई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करती हूँ। तो आपने फरमाया, इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल उला। सब्र उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुँची हो। तो जब आजमाइश आई है, जब मुसीबतें आ रही हैं, उस वक्त आपने सब्र करना है। बाद में तो हर एक को सब्र आ जाता है। कोई मरता भी है तो आप सारी ज़िंदगी थोड़ी रोते रहते हैं उसकी याद में, चंद दिनों के बाद आपको सब्र आ जाता है। तो एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। तो हमने उसमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। दूसरा, जो भी इस मौके पर बीमारी के अंदर मुबतला होता है, हमने उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना है। SOPs पर अमल करते हुए उसकी मदद बहरहाल हमने करनी है। SOPs पर इस तरह से अमल करना कि आप मरीज़ को छोड़ के भाग जाएं, ये बहुत बेमुरवती की बात है। इस मौके पर हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल करने का हुक्म दिया है। तो आपके घर में अगर कोई बूढ़े वालदैन कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उनको छोड़ के भाग जाएँ। डॉक्टर के लिए जायज़ नहीं है कि वो पेशेंट को छोड़ के भाग जाए। डॉक्टरों को बहरहाल हम सबको सलाम करना चाहिए कि वो अपनी जान पर खेल कर किस तरह से मरीजों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है जो भाग रहे हैं और जो है वो अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं। अगरचे उनका रेशो कम है, ज़्यादातर डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल का तकाजा ये है कि आप अपने घर के मरीज को छोड़ कर फरार ना हों, क्योंकि मौत और ज़िंदगी बहरहाल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ज़िंदा रहने के असबाब इख्तियार करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन ऐसा सबब इख्तियार करना जो शरीयत नहीं है। आप ख़ुद किसी कोरोना के पेशेंट के बिला वजह करीब ना जाएं, लेकिन आपके घर में अगर आपके कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है तो उसे उस बीमारी की हालत में छोड़ के जाना, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। ये किसी तौर पे भी आपके लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट ने अगर डॉक्टरों के ज़िम्मे लगाया है कि वो पेशेंट की हिफाजत करें, उसकी केयर करें, वो अस्पताल छोड़ के ना भागें, तो ऐसे मौके पर डॉक्टर का फरार होना ये भी शरी तौर पर नाजायज़ और गलत बात है। तो हम इस दर्द में, इस दुख में अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वो भी इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं, इस गम में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह ताला से हम दिली दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से हिंदुस्तान के लोगों को जल्द से जल्द निजात अता फरमा, और जिस कर्ब व अज़ियत में वो मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह इस बीमारी से, इस मुसीबत से उनको निकाल दे। और जब तक ये बीमारी मुकद्दर है, सब्र की हम सबको तौफीक अता फरमा। और इसमें गैर मुस्लिमों के लिए एक सबक है कि ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरी होने की जगह नहीं है। अब भी मौका है अल्लाह की तरफ आने का, शिर्क से तौबा करने का। कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुलली दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जब तुम्हें कोई बड़ी मुसीबत आती है, तूफान में घिरते हो, तो तुम सब अपने दूसरे खुदाओं को छोड़कर उस खुदा को पुकारते हो जो आसमानों में है, लेकिन जब वो तुम्हें मुसीबत से निजात दे देता है तो फिर उस खुदा को तुम भूल जाते हो। अगर वो चाहता है, बाज़ दफ़ा वो निजात नहीं भी देता। तो इसमें, इन मुसीबतों में, इन बलाओं में, वो रब जो आसमानों में है, वो हर एक को अपनी तरफ दावत देता है कि आओ मुझसे मांगो। ऐसे मौके पर सबको उसी अल्लाह का तसव्वुर आता है दिमाग में। एक हिंदू फौजी वो लोग मुसलमानों से अपील कर रहा है कि आप लोग दुआएं मांगे। मेरी दादी मुझे बताया करती थी, सहारनपुर से उनका ताल्लुक था, कि जब बारिशें बंद हो जाया करती थी तो हिंदू भी आके हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग नमाज इस्तिस्का पढ़े। यहाँ एक बूढ़े रहा करते थे, हिंदुस्तान के थे, उन्होंने ये बात मुझे बताई,
कि हिंदू हमसे कहा करते थे कि आप जाएं और नमाज इस्तिस्का पढ़ें और अल्लाह से दुआएं मांगे, और मैंने अपनी दादी से बराह रास्त सुना कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम नमाज इस्तिस्का में गए और हमने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी और उसी वक्त आसमान से बारिशें बरसना शुरू हो गई। तो मुसलमानों को ख़ास तौर पर चाहिए, हम तो एक हकीकी खुदा पर ईमान रखते हैं जो बलाएं दे भी सकता है और बलाएं टाल भी सकता है, तो बहुत शदीद ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान की इन मुकद्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और खुसूसन हिंदुस्तान के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएँ, दुआएँ मांगें, और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल ना करें बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगें कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला इसमें कमी कोताही को माफ़ फरमाए, और जो सही बातें हुई हैं अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों की जिस हद तक हम मदद कर सकते हैं हम करें, हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई ट्रस्ट वहाँ मदद पहुँचाना चाहता है और उसके लिए बॉर्डर खोलने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हुकूमत को इस पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इस वक्त अपनी दुश्मनियों को ख़त्म करके पूरी दुनिया को चाहिए कि वो एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि कल जो मुसीबत जिसमें आज जिस मुसीबत में वो मुब्तला हैं, अल्लाह न करे कल इस मुसीबत में हम या कोई और मुल्क भी मुब्तला हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।